हेलो फ्रेंड्स, साल 2020 में एक और दिल दुखाने वाली खबर आई है। भारतीय क्रिकेट टीम को दो वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया है। एमएस धोनी अब नीली जर्सी में कभी नहीं दिखेंगे और ये बात सुनकर काफ़ी दुख होता है। एमएस धोनी ने दो वर्ल्ड कप ही नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी, कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारत ने हराया, इसके अलावा विकेट कीपिंग में उनके जैसी रफ्तार या बिना देखे विकेट पर थ्रू मारना शायद ही कोई ऐसा कर पाए। एमएस धोनी ने दुनिया को ये भी बताया कि बिना अच्छी टेक्निक के भी अच्छा और महान बल्लेबाज बना जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे एक टिकट कलेक्टर से लेकर पूरी दुनिया को अपने खेलने के अंदाज से दीवाना बनाने वाले एमएस धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची झारखंड में एक राजपूत परिवार में हुआ, तब रांची बिहार में हुआ करता था। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम पान सिंह है, जो मीकॉन में जूनियर मैनेजर का काम करते थे। धोनी के माँ पापा के अलावा उनकी एक सिस्टर हैं और एक भाई है। सिस्टर का नाम जयंती और भाई का नाम नरेंद्र सिंह धोनी है। धोनी ने अपनी स्कूलिंग डीएवी जवाहर विद्या मंदिर सांवली से की। धोनी शुरुआत में बैडमिंटन और फुटबॉल खेला करते थे। उन्हें बहुत अच्छी गोल कीपिंग करते देख एक लोकल क्रिकेट क्लब ने बतौर विकेट कीपर चुन लिया। तब तक धोनी ने क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन फुटबॉल में गोल कीपर थे तो उन्हें विकेट कीपिंग के लिए शामिल किया गया। धोनी ने इसी क्लब में 3 साल विकेट कीपिंग की और इन्हीं 3 साल में वो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी बन गए थे। उन्हें अच्छा खेलता देख 1998 में बीनू मांकड़ ट्रॉफी अंडर 16 में चुन लिया गया। उन्होंने वहां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तब तक धोनी ने 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद उन्होंने ट्रेन टिकट एग्जामिनर का एग्जाम दिया, जहाँ वो सिलेक्ट हो गए। एमएस धोनी 2001 से 2003 तक बतौर टीसी काम करते रहे। बतौर टीसी एमएस धोनी को लगने लगा कि मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा, हालांकि वो तब रणजी खेल रहे थे। जॉब के दौरान भी वो अभी की तरह काफी शरारती हरकतें भी करते थे। एक बार वो एक सफेद कंबल लपेटकर कॉलोनी में घूमने लगे। वहां रहने वाले लोग और चौकीदार काफी डर गए थे। रणजी खेलने के साथ साथ जॉब करते हुए धोनी को लगने लगा कि अब वो वहां से आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए उन्होंने रेलवे की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम क्रिकेट को देने लगे। उनका जॉब छोड़ने का फैसला उनके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर तब तक धोनी के दिल में क्रिकेट के लिए जुनून सवार हो गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि धोनी नेशनल टीम में कैसे सेलेक्ट हुए। बीसीसीआई की एक टीम होती है जो छोटे छोटे शहरों में जाकर अच्छे टैलेंट खोजने का काम करती है। एमएस धोनी का बेहतरीन प्रदर्शन देख उस टीम ने धोनी को नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद जब धोनी को इंडिया ए टीम के लिए चुना गया, ये सिलेक्शन उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। धोनी ने केन्या में इंडिया के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस श्रृंखला में धोनी ने 2 शतक और 1 अर्धशतक बनाया। उनका ये प्रदर्शन देखते हुए तब के कप्तान सौरभ गांगुली और सिलेक्शन टीम का ध्यान धोनी पर गया और उन्हें बांग्लादेश दौरे के लिए एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज चुन लिया गया। एमएस धोनी अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में 0 पर रन आउट हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, पर उनकी अच्छी कीपिंग की वजह से उन्हें पाकिस्तान से होने वाली सीरीज में मौका दिया गया। यहां तक धोनी एक आम खिलाड़ी जैसे थे और दिनेश कार्तिक के होते हुए उनके सिलेक्शन पर भी काफी सवाल उठ रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के 5वें मैच में धोनी ने 148 रन ठोक कर भारत को जीत दिलाई और क्रिकेट जगत को बताया कि कोई शानदार खिलाड़ी क्रिकेट में आ चुका है। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 रन बनाकर उन्होंने अकेले ही टीम को जीत दिला दी। यहां से एज ए फिनिशर उनकी एक और पहचान सामने आई। इसके बाद धोनी ने और भी कई मैच जिताकर अपनी जगह टीम में पक्की कर ली। साल 2007 में ODI वर्ल्ड कप हारने के बाद राहुल द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। द्रविड़ के बाद सचिन को कप्तान बनाया जाने लगा, लेकिन सचिन ने कप्तानी से इनकार करते हुए धोनी को बेहतर ऑप्शन बताया। सचिन के कहने पर धोनी को 2020 और ODI का कप्तान बना दिया गया। एज ए कैप्टन धोनी ने पहला टूर्नामेंट 2020 वर्ल्ड कप 2007 जीतकर सचिन के फैसले को सही साबित कर दिया। इसके अगले ही साल टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराकर कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज जीती, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि तब टीम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की नंबर 1 टीम थी
और उसे हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। फिर साल 2011 में एमएस धोनी ने आईसीसी वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप में धोनी ने ऐसे फैसले लिए थे जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। एमएस धोनी ने फाइनल में बहुत अच्छी इनिंग खेली जो बताती है कि धोनी बेस्ट फिनिशर और बेस्ट कैप्टन क्यों बोले जाते हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट के भगवान बोले जाने वाले सचिन ने बोला था कि एमएस धोनी बेस्ट कैप्टन है और मैं भाग्यशाली हूँ जो उनके अंडर खेला। 2011 वर्ल्ड कप खेलने के बाद एमएस धोनी ने 2013 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनाया। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने 4 जुलाई 2010 को अपनी एक दोस्त से शादी कर ली जिनका नाम साक्षी है। साक्षी से 6 फरवरी 2015 को उनकी एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम उन्होंने जीवा रखा। एमएस धोनी लगातार 2 साल ODI रैंकिंग में नंबर 1 रहे जो कि एक रिकॉर्ड है। बात करें IPL की तो उन्होंने एज ए कैप्टन 2010, 2011 और 2018 की ट्रॉफी अपने नाम की। इससे भी बड़ी बात यह कि उनकी टीम हर सीजन IPL के नॉकआउट राउंड में पहुंचती है। MS धोनी ने 30 दिसंबर 2014 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद जनवरी 2017 को उन्होंने टीम इंडिया की कैप्टनसी भी छोड़ दी। धोनी ने 2019 का ODI वर्ल्ड कप भी खेला जिसमें सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छी इनिंग खेलकर टीम को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया पर दुर्भाग्यवश वो रन आउट हो गए। वो ODI उनके करियर का लास्ट मैच था। इसके बाद 15 अगस्त 2020 को धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोस्तों खिलाड़ी तो बहुत आए और आगे भी आएंगे पर दूसरा MS धोनी मिलना नामुमकिन है। धोनी अपनी जीत का श्रेय कभी नहीं लेते थे, वो हमेशा जीत को टीम की जीत बताते रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रे के साथ कि MS धोनी रिटायरमेंट के बाद एक बेहतरीन लाइफ जिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। कैसन बा? ठीक है बा। किदा? बढ़िया। इंशाल्लाह। माशाल्लाह। Are you scared? It's not scary.